विभिन्न वस्तुओं को मापना और तुलना, मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने लंबाई, लेंथ, वजन, वेट और गति, स्पीड के बारे में सीखा था। आइए आज हम इनसे जुड़े कुछ और मजेदार उदाहरण देखें। रोहन, वह देखो, मैदान की सीमा के साथ साथ झंडे लगाए गए हैं। यह झंडा 15 मीटर 22 सेंटीमीटर लंबा है। मेरे पास जो झंडा है उसकी लंबाई तुम्हारे झंडे से 5 मीटर 12 सेंटीमीटर छोटी है। क्या तुम बता सकती हो कि मेरे झंडे की लंबाई कितनी है? ध्यान रखना मीता, हम केवल एक जैसी इकाई यानी कि मेजरिंग यूनिट्स को ही आपस में जोड़ यानी कि ऐड, घटा यानी कि सब्ट्रैक्ट, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई या भाग यानी कि डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 15 मीटर घटा 5 मीटर बराबर हुआ 10 मीटर और 22 सेंटीमीटर घटा 12 सेंटीमीटर बराबर हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी रोहन के झंडे की लंबाई हुई 10 मीटर 10 सेंटीमीटर। अरे वाह मीता, एकदम सही उत्तर। अरे देखो, दीपा बिल्ली की दुकान पर नई मिठाई आई है। दीपा, ये कुल कितनी मिठाई होगी? यह पूरे 300 किलोग्राम मिठाई है। पर तुम्हारे एक डिब्बे में तो सिर्फ 2 किलो मिठाई आती है, तो फिर तुमने मिठाई के कुल कितने डिब्बे मंगवाए? डब्बों का कुल वजन है 300 किलोग्राम, एक डिब्बे का वजन है 2 किलोग्राम। हम कुल वजन यानी कि 300 किलो से एक डिब्बे का वजन यानी कि 2 किलो को भाग करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि यह सारी मिठाई कुल कितने डिब्बों में आ गई है। कुल डिब्बे बराबर 300 किलोग्राम भाग 2 किलोग्राम बराबर 150, यानी कि मैंने कुल 150 डिब्बे मंगवाए हैं। अरे वाह, यह तो कितना आसान था। बोलो बंदर, मान लो मीता 5 मिठाई के डिब्बे पैदल लेकर अपनी नानी के घर जा रही है। मीता की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे अपनी नानी के घर पहुंचने में 12 घंटे लगे। तो क्या तुम बता सकते हो कि मीता के घर से उसकी नानी का घर कितनी दूरी पर है? यहाँ मीता की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको अपने नानी के घर तक पहुंचने में 12 घंटे लगे हैं। यानी कि मीता एक घंटे में 3 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में वह 6 किलोमीटर तक चलेगी, 3 घंटे में वह 9 किलोमीटर चलेगी, ऐसे ही 12 घंटे में वह 36 किलोमीटर चलेगी। तो मीता की नानी का घर उसके घर से 36 किलोमीटर दूरी पर है। था ना आसान? सारांश, आज हमने लंबाई, वजन और गति से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर निकाले होंगे। ऐसे ही अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।